मेमोराइज नहीं कराने यानी उनको ए ची ए वी वी वाई करके इस तरह की जो स्पेलिंग्स की जो है रोट लर्निंग है वो नहीं करानी लिखे हुए ये वर्ड्स इनको इतनी बार दिखाने हैं या मुख्तु ऑपरचुनिटीज देनी है जहाँ पे इसको वो देख देख के ट्रेस करें और इस देखने और ट्रेस करने की एक्टिविटी के दौरान ही उनको काफ़ी हद तक स्पेलिंग्स याद होने लग जाएंगे आज का जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हैवी हैवीयर है इसमें हमने किताब में क्या एक्टिविटी करनी है टीचर्स यू नो दरेंज ऑब्जेक्ट अब हम इस कॉन्सेप्ट को आगे कॉन्क्रीट शक्ल में लेके जा रहे हैं यानी आज बच्चे अपने किताब के सफे में खुद से वर्ड पिक एंड चूज करके वहाँ पे लिखेंगे the teachers, आपने बच्चों को पेज अगर किताब का दिखा दिया होगा तो बोर्ड के ऊपर जो आपने फ्लैश कार्ड पेस्ट किए हैं इन uh, वर्ड्स के स्पेलिंग्स के या अपने व्हाइट बोर्ड पर आप इनको लिखते हैं करेक्ट वर्ड टू राइट ऑन द गिपेस तो डियर टीचर्स आपके लिए जो नोट दिया गया है उसमें राइटिंग तो करवानी है लेकिन आपने सबसे पहले उनको ऑब्जर्व करना है कि क्या वो इस काबिल हो चुके हैं कि हैवी किस्ट को खुद से सही जगह पे आइडेंटिफाई करके लिख सके एंड देन वी विल हैव सम एक्टिविटीज सो टीचर्स आपने बच्चों को इस वीडियो को पॉज करवाने के बाद ये तमाम एक्टिविटीज एक साथ करवानी है बिकॉज इज द डे ऑफ एप्लीकेशन When you will take them outside to the playground, make them uh, use a swing or some flashcards to explain the concept of heavy, heavier, and heaviest to each other, so that they are able to do it on their own. <laughs> Example ke taur pe you can give them different toys to them. The students is the in the ko de aapko kya lagta hai? Which ball is going to be the heaviest? The purple ball, yes. This is the heaviest ball, and which is what is a little slightly heavy, might be this. So, give them different examples, show them different objects and let them complete this worksheet individually because this is their task for today. Agar rapko lecta ki abibi unko yehapiko difficulty. Ho rahi hai, to give them this worksheet in the classroom to complete it, or you can give it as homework. बट मेक श्योर ये तीन वोकेबलरी वर्ड्स जो इनकी वोकेबलरी में एड हो रहे हैं उनका मेन इनको कॉन्सेप्ट भी समझ आए उनकी राइटिंग भी करनी आए और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को उनको अरेंज करना भी आए बिकॉज दैट इज आवर टास्क टू अचीव मेक दम अंडरस्टैंड वट इज़ हैवी वट इज़ हैवियर एंड वट इज़ हैवियर एज़ पर दल ओ रिकमेंडेड इन द सिंगल नेशनल करिकुलम फॉर ई सी सी ई सो डी टीचर्स आज के इस लेसन को क्विकली रैपअप करते हुए बच्चों से आपने uh, uh, उनको अपॉर्चुनिटी देनी है दैट दे कैन गो इन द मैथ्स कॉर्नर एंड कलेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड देन Collect them in different baskets, jiske andar wo heavy, heavier, heaviest ka, jo aap usko label kar they will pick objects and place it inside. Little children need a lot of activity, they need a lot of colorful objects around them to be able to connect to the real world and the concepts we are trying to teach them. This is why we have to arrange a lot of objects to make them understand such concepts where they have to put things in an order and understand how things are handled and tackled in mathematics. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा इन तमाम एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करवा लें बिफोर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टेक केयर एंड अल्लाह हाफि